गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 31 छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ मामला लेकर पहुंच चुके थे 31 छात्र। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है 31 जुलाई को इसकी सुनवाई करने वाली है, लेकिन उससे पहले ही आज एक बहुत बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट को लेकर सामने निकल कर आ रहा है, उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की यूनिवर्सिटी के एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ आपको देते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो आपके लिए हर दिन की हर तरह की अपडेट आपको तुरंत देते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं आज की क्या खबर है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देखिए तो देखिए क्या पूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी कर फाइनल ईयर की परीक्षाओं कराने के विरोध में दायर याचिका को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आयोग 29 जुलाई तक जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि परीक्षाओं को लेकर यूजीसी से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 31 जुलाई को होने वाली है। शीर्ष अदालत कोविड-19 के दौर में देश भर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालय के करीब 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी की गई संशोधित गाइडलाइंस को रद्द करने की मांग की है, ठीक है। यूजीसी ने अपनी संशोधित गाइडलाइंस में देश के सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले करा लें। छात्रों ने अपनी याचिका में मांग की है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए और छात्रों का रिजल्ट उनके पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाना चाहिए। याचिकाओं में बिहार और असम में बाढ़ की वजह से लाखों छात्रों की परेशानी और कई राज्यों द्वारा कोविड-19 की वजह से राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द करने के अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और नया भी मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है कि जो छात्र आसाम और बिहार के हैं, जहाँ पर बाढ़ पीड़ित हो गए हैं, जहाँ बाढ़ आ गई है, वो कैसे पेपर देने जाएंगे। तो एक और नया मुद्दा देखिए सामने निकल कर आ रहा है, सही भी है कहीं ना कहीं। देखिए न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की 3 सदस्यीय पीठ ने इन याचिकाओं पर केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि देश में 800 से अधिक विश्वविद्यालयों में से 209 को पूरा कर चुके हैं। मेहता ने कहा कि करीब 390 विश्वविद्यालय इस समय परीक्षाएँ कराने की प्रक्रिया में हैं। प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र ऑनलाइन, ऑफलाइन या ब्लेंडेड मोड में शामिल हो सकते हैं। पीठ ने कहा कि शिवसेना की युवा इकाई युवा सहित इन याचिकाओं पर एक जवाब दाखिल किया जाए। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली यही बातें सब कही गई हैं कि जो यूजीसी है वो अपने ओर से सफाई दे रही है कि जिसमें 818 विश्वविद्यालय जो हैं उसमें से 603 विश्वविद्यालयों से जवाब आ चुका है और जिसमें से बहुत से विश्वविद्यालयों ने अपनी परीक्षा करा ली है, ठीक है। और कुछ विश्वविद्यालय जो नहीं कराए हैं वो कराने जा रहे हैं, और कुछ ही ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो परीक्षा नहीं कराना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और नया मुद्दा ये सामने निकल कर आ रहा है कि जो आसाम और बिहार के छात्र हैं वो तो इस समय बाढ़ पीड़ित हो गए, तो वो किस तरह से पेपर देने जाएंगे। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस समय गंभीर हालत हो चुकी है बाढ़ की वजह से। तो यही सब मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है। अब देखिए 31 जुलाई को क्या सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, अब देखिए आपके हित में लेती है या फिर यूजीसी की गाइडलाइन को सही मानती है, देखिए अब वो तो 31 जुलाई को पता ही चल जाएगा। तो चलिए यही खबर आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।